स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज मेमोरी ग्लैंड्स और लैक्टेशन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज का हमारा थीम है स्तन ग्रंथियां एवं दुग्ध स्त्रावण, राइट। मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन। सबसे पहले मैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले एक जोड़ी मेमोरी ग्लैंड्स की संख्या क्या है? एक जोड़ी होती है, वन पेयर। कहां पर होते हैं? तो वक्षीय भाग पर स्थित, मतलब थोरेसिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। चलो, श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी, श्वेत ग्रंथियों यानी कि स्वेट ग्लैंड्स के रूपांतरण से बनी। ऑलराइट, ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तनधारियों की विशेषता नर में अक्रियाशील, क्योंकि हम भी स्तनधारी हैं तो नर में भी पाया जाता है स्तन ग्रंथियां नर में भी पाई जाती है, लेकिन नर में अक्रियाशील, मादा में क्रियाशील, क्योंकि मादाओं को बच्चे को जन्म देना है और बच्चे के जन्म के बाद उन्हें पोषण देने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए नर में अक्रियाशील, मादा में क्रियाशील। स्तनों का आकार यौवनावस्था में बढ़ जाता है। कारण क्या है? एस्ट्रोजन के स्त्रावण के कारण इनके आकार में वृद्धि, सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, भी देखने को मिलती है। इनके आकार में वृद्धि सगर्भता के दौरान भी देखने को मिलती है। स्तनों का आकार यौवनावस्था में बढ़ जाता है। कारण क्या है? एस्ट्रोजन के स्त्रावण के कारण। और ये एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी है, स्तनों के आकार का बढ़ना, ये एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी है। इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, जो स्तन ग्रंथियां है इनके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो उत्तक पाए जाते हैं, एक तो ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है और दूसरा जो है वो वसी उत्तक, राइट। स्तन ग्रंथियों के अंदर एक तो ग्रंथिल उत्तक है और कौन सा है? वसी उत्तक है, राइट। नाउ वसा की मात्रा अलग अलग या परिवर्तनशील होती है, इसलिए स्तनों का आकार भी अलग अलग होता है। Are you getting? तो स्तन ग्रंथियों एवं दुग्ध स्त्रावण की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने स्तन ग्रंथियों की बेसिक बात की, और ये स्तन ग्रंथियों के अंदर हमने उत्तकों की बात की, ग्रंथिल उत्तक और वसी उत्तक की बात की। अब यदि हम एक स्तन के ग्रंथिल उत्तक को देखें तो किसका बना हुआ है वो देखिए आप, कि विशेष तौर से हम फोकस करेंगे कि स्तन ग्रंथियों के ग्रंथिल उत्तक के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि इसी ग्रंथिल उत्तक के द्वारा ही दूध का स्त्रावण होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा,
हम लोग एक स्तन ग्रंथि को बना रहे हैं यहां पर, वो देखिए। नाउ सबसे पहले स्तन ग्रंथियों में क्या होता है, यदि मैं स्तन ग्रंथि की बात करता हूं तो प्रत्येक स्तन ग्रंथि में, प्रत्येक स्तन ग्रंथि की बात करूं मैं तो 15 से 20 जानते हो क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। अभी मैं चित्र के द्वारा भी बताऊंगा, प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, जिनको कि स्तन पिंड कहते हैं, राइट। अब ये जो प्रत्येक जो स्तन है उसमें, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। अब इन मेमोरी लोब्स के भीतर क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स के भीतर मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। मेमोरी लोब्यूल समझते हो क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स का मतलब ये होता है कि स्तन पिंडक होते हैं, स्तन पिंडकों के भीतर, स्तन पिंडकों के भीतर क्या होती है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई होती है कूपिका, स्तन पिंडकों के अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई। नाउ ये जो एल्वियोलाई होती है इनके द्वारा दुग्ध का क्या होता है, स्त्रावण, इनके द्वारा दुग्ध का स्त्रावण होता है, राइट। इनके द्वारा दुग्ध का क्या होता है, अंदर स्त्रावण होता है। अब दूध जो स्टोर्ड है, दूध, दूध जो होता है वह दूध एल्वियोलाई की गुहा में संग्रहित रहता है, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई वो किसमें ओपन होती है, एल्वियोलाई ओपन होती है किसके अंदर, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। सारी एल्वियोलाई किसमें ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, जिसको बोलते हैं स्तन नलिकाओं में, स्तन नलिकाओं में खुलती है। स्तन नलिकाएं मिलकर जानते हो क्या बनाती है, स्टिल बिगर डक्ट बनाती है, जिसको मेमोरी डक्ट कहते हैं, मतलब कि स्तन वाहिनी कहते हैं, राइट। स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी मेमोरी डक्ट्स। अब मेमोरी डक्ट्स किसमें ओपन होती है, मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला में ओपन होती है, है ना। मेमोरी एम्पुला मतलब स्तन एम्पुला, फुला हुआ भाग होता है, एम्पुला मतलब फुला हुआ भाग, स्तन एम्पुला में। स्तन एम्पुला जो है वो किसमें ओपन होती है, लैक्टिफेरस डक्ट में, दुग्ध वाहिनी में, और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है किसके अंदर, बाहर निप्पल के अंदर, यानी कि चूचक में ओपन हो जाती है, और यहां से मिल्क कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, राइट। तो प्रत्येक स्तन ग्रंथि में याद रखिए, प्रत्येक स्तन ग्रंथि जो होती है उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, इन मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर गुच्छक होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है, राइट। कूपिकाएं जो होती है वो क्या, यहां पर ये कूपिका क्लस्टर ऑफ सेल्स है ना, क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है। फिर ये एल्वियोलाई क्या स्त्रावण करती है, दूध का स्त्रावण करती है, ये दूध कूपिकाओं की गुहा में संग्रहित होता है, यहां से सारी प्रत्येक लोब की जो कूपिकाएं होती है वो ओपन होती है किसके अंदर, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। अलग अलग पिंडकों की जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, स्तन नलिकाएं मिलकर मेमोरी डक्ट्स बनाती है। मेमोरी ट्यूब्यूल से बड़ी डक्ट कौन है, मेमोरी डक्ट से। मेमोरी डक्ट खुलती है मेमोरी एम्पुला में, मेमोरी एम्पुला ओपन होती है दुग्धवाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस ओपन होती है निप्पल क्षेत्र के अंदर, और इस निप्पल क्षेत्र से मिल्क बाहर आ जाता है और एक नवजात को या बच्चे को प्राप्त हो जाता है। तो यदि मैं स्तन ग्रंथि की यहां पर एक चित्र बनाऊं तो वो कुछ किस तरीके का होगा वो देखिएगा, यहां पर किस तरीके से पूरा के पूरा एक मेमोरी ग्लैंड को अपने यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, ये स्तन की यदि बात करें तो इसके अंदर, स्तन के अंदर इस प्रकार के लोब्स होते हैं, है ना, ये लोब्स हैं,
इस तरीके के लोब्स हैं। यहां पर वसीय ऊतक है, मैंने कहा था वसीय ऊतक की मात्रा अलग अलग मादाओं के अंदर क्या होती है, अलग अलग वसाओं से ये भरपूर होते हैं। तो ये तो क्या हो गया वसीय ऊतक, चलो ये क्या होगी मेमोरी लोब्स, स्तन पिंड, राइट। और स्तन पिंडों के अंदर इस तरीके से ये क्या चीज है, स्तन पिंडक है, ये स्तन पिंडक है। और स्तन पिंडकों के अंदर यहां पर ये क्या है, सब कूपिकाएं हैं, राइट। ये सब कूपिकाएं हैं, राइट। ये कूपिका है, कूपिका की गुहा में क्या स्टोर रहता है, दूध स्टोर रहता है, दूध संग्रहित, इसमें दूध संग्रहित रहता है। अच्छा, ये सारी के सारी जो एल्वियोलाई है वो ओपन होती है इस तरीके से, ये ओपन होती है कुछ डक्ट्स के अंदर, कुछ ट्यूब्यूल्स के अंदर, इनको हम बोलते हैं स्तन नलिकाएं, स्तन नलिकाएं, इंग्लिश नाम भी लिखे हुए हैं जिसको जैसी सुविधा हो, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स ये ऐसे बड़ी हो जाती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कुछ और डक्ट्स में खुलती है इस प्रकार से, बड़ी डक्ट्स में ओपन होती है जिनको बोलते हैं स्तन वाहिनी, बड़ी डक्ट्स में खुल जाती है जिसको बोलते हैं स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनियां ओपन होती है कुछ चौड़े रीजन्स के अंदर, ऐसे इस तरीके के रीजन्स के अंदर, इनको बोलते हैं स्तन एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला ओपन होती है डक्ट्स के अंदर इस तरीके से, जिसको बोलते हैं दुग्ध वाहिनी, दुग्ध वाहिनी यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट्स। और ये ओपन हो जाती है कहां पर, बाहर, ये ओपन हो जाती है बाहर, और इसको बोलते हैं निप्पल, इसको बोलते हैं स्तनाग्र या चूचक के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसके बाहर यहां से मिल्क बाहर आता है, इसके चारों तरफ, इस निप्पल के चारों तरफ एक पिंक या गुलाबी रंग का क्षेत्र होता है, एक पिंक या गुलाबी क्षेत्र होता है इस निप्पल के चारों, उसको बोलते हैं एरियोला, इसको हिंदी में बोलते हैं चूचक मंडल, या जिसको कि हम एरियोला के नाम से जानते हैं। तो इस निप्पल के चारों तरफ क्या है भाई, एरियोला है, ऑलराइट। इसका रंग जो होता है वो पिंक से लगाकर पिंक या ब्राउन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपके सामने बनी हुई है ये क्या चीज है, स्तन ग्रंथि है ना। और इन स्तन ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, दूध का स्त्रावन करना, इनका मुख्य कार्य क्या है, दूध का स्त्रावन। अच्छा, एक बार फिर से बता दूं, प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी लोब्यूल्स है, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है, ये दूध का स्त्रावन करती है, दूध एल्वियोलाई की गुहा में संग्रहित रहता है। एक पिंड की, एक मेमोरी लोब की जितनी भी जो एक मेमोरी लोब्स के एल्वियोलाई ओपन हो जाती है स्तन नलिकाओं में, स्तन नलिकाएं बड़ी नलिकाओं में खुलती है जिनको बोलते हैं स्तन वाहिनियां, स्तन वाहिनियां ओपन हो जाती है स्तन एम्पुला में, स्तन एम्पुला खुलता है दूध वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी निप्पल के द्वारा बाहर खुल जाती है, आर यू गेटिंग। और ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ये क्या है, वसीय ऊतक है, ठीक है। ये आपने देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड रुकूंगा उसके बाद मैं हटा दूंगा, क्लियर। अब जो सबसे, ये तो हमने स्तन ग्रंथि का डायग्राम पढ़ा, अब आ जाते हैं दूध का स्त्रावन कैसे होता है, जिसको कि हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द लैक्टेशन, कैसे होता है वो आप देखिए, हाउ टू लैक्टेशन होकर या दूध का स्त्रावन कैसे होता है, दुग्ध स्त्रावन, वो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखते हैं लैक्टेशन, दुग्ध स्त्रावन, ऑलराइट। नाउ दुग्ध स्त्रावन कैसे होगा, तो उसके लिए
यहां पर एक न्यूरल हार्मोनल सिस्टम काम करेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा था ना पार्चुरेशन के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, वैसे ही यहां पर भी एक न्यूरल हार्मोनल सिस्टम काम करता है, ठीक है। न्यूरल हार्मोनल सिस्टम काम करेगा और इसमें क्या होता है कि देखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोले तो सगर्भता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंशिएशन अकर इन मेमोरी ग्लैंड्स, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, आप यूं ले लीजिए एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता के अंत में, जैसे ही सगर्भता एंड होने वाली होती है, एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी डिफरेंशिएशन अकर इन द मेमोरी ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। सगर्भता के दौरान एवं विशेष तौर से सगर्भता के अंत में मेमोरी ग्लैंड्स में डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, और मेमोरी ग्लैंड्स क्या करना प्रोड्यूस कर देती है, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। हमेशा याद रखो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कौन सा है, तो मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन जो होता है, राइट, दुग्ध संश्लेषी हार्मोन, वो तो कौन सा है, प्रोलैक्टिन है। और आपको ये बता दूं ये प्रोलैक्टिन कौन स्थापित करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा स्थापित, राइट, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा स्थापित। तो ये तो दूध का संश्लेषण करने वाला हार्मोन है, लेकिन दूध को मां से बाहर लाने वाला हार्मोन कौन है, मिल्क इजेकुलेशन हार्मोन, यानी कि दुग्ध स्त्रावी हार्मोन, मतलब मां के शरीर से दूध को बाहर लाने वाला हार्मोन कौन है, तो मां के शरीर से दूध को बाहर लाने वाला जो हार्मोन है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन है। वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। और ऑक्सीटोसिन को कौन स्थापित, ये तो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड द्वारा क्या होता है, स्थापित होता है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन निर्मित तो कौन करता है, निर्मित तो कहां पर कौन करता है, हाइपोथैलेमस, लेकिन स्थापित कौन करता है, इसका स्त्रावन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड द्वारा होता है, ठीक है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि के कहां पर होता है, पश्चपिंड के द्वारा होता है। संश्लेषण इसका किसने किया था, ऑक्सीटोसिन ने, हाइपोथैलेमस ने, याद रखना। लेकिन इसका स्त्रावन जो है, रिलीज कौन करता है इसको, तो वो पीयूष ग्रंथि का पश्चपिंड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब करता है, और एंटीरियर लोब से क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। अच्छा, लैक्टेशन में प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन लैक्टेशन में प्लेसेंटा द्वारा स्थापित HCST ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन भी मदद करता है ना, ये भी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अब दूसरा, ये जो पूरा की पूरा जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, तो मैंने कहा था ना कि ये प्रक्रिया न्यूरो हार्मोनल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है, न्यूरल हार्मोनल सिस्टम। तो जैसे ही बच्चा
मां के जैसे ही बच्चा दूध के लिए रोता है तो उसके रोने की आवाज मां के हाइपोथैलेमस पर पहुंचती है, जिससे वह उद्दीपित हो जाता है, जिससे वह क्या हो जाता है, उद्दीपित हो जाता है एवं वह पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड को रक्त में ऑक्सीटोसिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है भाई? पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड को रक्त में ऑक्सीटोसिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, राइट? अब ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों में स्थित पेशी उपकला कोशिकाओं को संकुचित करता है जिससे दूध दुग्ध वाहिनी द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है? तो जैसे ही बच्चा दूध के लिए रोता है तो उसके रोने की, उसके रुदन की आवाज मां के हाइपोथैलेमस पर पहुंचती है। ये हम कहते हैं ना कि बच्चा मां के पास में आता है तो मां दूध पिलाती है। आपने ये तो कहावत सुनी होगी, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। ये तो कहावत आपने सुनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, है ना, तभी टीचर बताता है। वैसे ही याद रखना, माँ जब बच्चा एक रोता है तो माँ क्या पिलाती है, उसको दूध पिलाती है। कहावत है ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो जब बच्चा रोता है तो माँ की ममता जगती है, कहते हैं ना माँ की ममता जगती है और माँ उसको दूध पिलाती है। वास्तव में वो जो माँ की ममता है, मैं उसे कोरिलेट करूंगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। जैसे ही बच्चा दूध के लिए रोता है तो उसके रोने की आवाज हाइपोथैलेमस पे पहुंचती है, जिससे हाइपोथैलेमस उद्दीपित हो जाता है। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है एवं वह पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड को रक्त में ऑक्सीटोसिन स्थापित करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों में स्थित जो पेशी उपकला कोशिकाएं हैं उनको जाकर क्या कर देगा, संकुचित कर देगा, और जिससे दूध जो है, जो एल्वियोलाई में स्टोर्ड था, एल्वियोलाई कोशिकाओं के अंदर जो गुहा में स्टोर्ड था, वो अल्टीमेटली कहां पर पहुंचेगा, दूध वाहिनी के अंदर, और दूध वाहिनी से वो निप्पल के थ्रू बच्चे के मुंह में पहुंच जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरा की पूरा लैक्टेशन की प्रक्रिया होती है। अब कुछ और पढ़ते हैं, कुछ एडिशनल चीजें पढ़ते हैं इस लैक्टेशन के प्रोसेस के अंदर। याद रखना, मां के द्वारा रिलीज होने वाला प्रथम दूध है ना, लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन हकीकत में क्या है कि बच्चे को मिल्क प्रोवाइड करवाना है ना। लैक्टेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करवाई जाती है, ये लैक्टेशन दुग्ध स्तन की प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा नवजात को मां द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जाता है ना। इस प्रक्रिया द्वारा नवजात को मां द्वारा दूध उपलब्ध करवाया जाता है। क्लियर? अच्छा, याद रखना कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मां के द्वारा स्त्रावित
पीले रंग के घाड़े दूध को खीस या नव दुग्ध या पॉपुलर नाम है कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहा मैंने? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ के द्वारा स्त्रावित पीले रंग के गाढ़े दूध को खीस नवदुग्ध या कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह कुछ दिनों तक स्त्रावित होता है। कुछ दिनों तक क्या होता है? स्त्रावित होता है। इसमें IgA प्रकार की एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी होती है जो नवजात को कौन सी इम्यूनिटी पढ़ा दिया है मैंने, पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, इस नवदुग्ध के अंदर कोलोस्ट्रम के अंदर IgA प्रकार की एंटीबॉडीज होती है जो नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये कोलोस्ट्रम बिल्कुल वैसा ही है, आप यदि गांवों के अंदर, गांवों से बिलोंग करते हैं कोई, तो गांवों के अंदर जब एक गाय बच्चे को बर्थ देती है तो गाय और माँ को सिमिलर माना गया, तो वो जो गाय है वो भी क्या करती है, गाढ़े पीले रंग का दूध निकालती है कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक, और उसको जमा के बलि वगैरह भी बनाते हैं, आपने सुना होगा। बस वैसा ही मामला यहाँ पर भी है। इसमें IgA प्रकार की एंटीबॉडीज होती है जो नवजात को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है एवं नवजात को कई रोग जनकों से बचाती है, उनके अटैक से क्या करती है, बचाती है। तो ये कोलोस्ट्रम जो है, कोलोस्ट्रम का सेवन बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ये माता का दूध होता है, कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है कि केवल कुछ दिनों तक ही स्थापित होता है, लेकिन जो माता का दूध है, जब तक बच्चा माता का दूध बच्चे को कम से कम 6 माह तक पिलाना चाहिए। डॉक्टर्स के अनुसार बच्चे को 6 महीने तक, मतलब जन्म से लेकर 6 महीने तक पानी की बूंद भी बाहर से नहीं दी जाती है। मतलब माँ का दूध जो है वो आहार के रूप में ही केवल बच्चे को दिया जाता है। कहाँ तक? 6 महीने तक। अब दूध का संगठन उसमें क्या क्या है? उसमें एक तो IgA क्या है, जैसे कि एंटीबॉडीज थी, और क्या क्या होता है, वसा होती है उसके अंदर, प्रोटीन होता है, जैसे कि दूध के अंदर जो प्रोटीन है वो कौन है, कैसीन है, राइट, और इसके अलावा क्या है, लैक्टोज, शर्करा, और क्या होते हैं, विटामिन्स। तो 6 माह, कहने का मतलब है बच्चे को कम से कम 6 माह तक पिलाना चाहिए माँ का दूध। यदि ये दूध बच्चे को नहीं मिलता है तो वो बच्चा जो है वो कई सारे पैथोजन से उसको अटैक हो सकता है। तो दूध का जो संगठन है वो IgA एंटीबॉडीज होती है, उसमें वसा होती है, प्रोटीन है यानी कि कैसीन, लैक्टोज, शर्करा, विटामिन्स, है ना, और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इस माँ के दूध के अंदर। तो ये जो लैक्टेशन है ये बच्चे के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है, इसको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, और हर बच्चे को ये दूध कम से कम माँ को 6 माह तक पिलाना चाहिए। क्लियर? तो ये जो आज का जो पूरा प्रोसेस था वो था, आज का जो पूरा वीडियो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, स्तन ग्रंथियों के ऊपर और दुग्ध स्त्रावन के ऊपर था कि किस तरीके से माँ से दूध का स्त्रावन होता है। ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट। इसी वीडियो के साथ में हमने एम्ब्रियोलॉजी के लगभग लगभग सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए, लेकिन हाँ,
कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं आने वाले दिनों के अंदर अपनी वीडियोस के अंदर लेके आऊँगा। जैसे मुझे लगातार कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप टाइप्स ऑफ एग्स बनाइए, यानी कि जैसे माइक्रो लेसिथल, ए लेसिथल, पॉली लेसिथल एग्स, ये टाइप्स ऑफ एग्स के ऊपर आप वीडियो बनाओ। टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, अंड झिल्लियों के प्रकार के ऊपर आप वीडियो बनाओ, ठीक है। क्लीवेज के जो अलग अलग प्रकार हैं उनके ऊपर वीडियो बनाओ। ऐसे कुछ कमेंट्स में मेरे पास में लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। और ऐसा नहीं है, मैं अपने समय के अभाव के कारण कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए आपका एक एक कमेंट जो है मैं पढ़ता हूँ। आप चाहे वो उड़ीसा से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, राइट, गुजरात से आ रहा है, मैं सबके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। कुछ को मैं रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन समय के अभाव में यदि मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँ तो आप ये समझ लेना कि आपका एनएस जैन जो है वो आपके हर कमेंट को पढ़ रहा है और आपको दिल से धन्यवाद कर रहा है। इसलिए वीडियोस को लगातार देखते रहिए, इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत आपको ऊपर तक लेके जाना है। और बायोलॉजी का अपना एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है, बायोलॉजी का हर बच्चे के पास में कंटेंट और क्वालिटी वीडियो पहुँचने चाहिए। थैंक्स अ लॉट, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।